नमस्कार, इस वक्त हम कुलपहाड़ में हैं और यहाँ कुलपहाड़ में रविदास मंदिर में आज एक पुस्तकालय खोला गया है जो कि निःशुल्क है। यहाँ पर सभी बच्चे हैं, निःशुल्क यहाँ पढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे, ये शिक्षा का सागर है जहाँ सभी किताबें रखी हुई हैं। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं और ये हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं, जिनसे प्रेरित होकर, हमारे महापुरुषों से प्रेरित होकर सभी लोगों ने यहाँ पर एक पुस्तकालय खोला है। यहाँ पर भी किताबें जो हैं उनकी धारा बह रही है, ज्ञान बह रहा है, वहाँ अलमारी में भी ज्ञान स्टोर्ड है। तो यहाँ पर सभी लोग हैं, यहाँ कमेटी के सदस्य हैं और यहाँ पर जो लक्ष्य के जिलाध्यक्ष हैं सनत जी वो हैं, और हमारे साथ नरेंद्र राजपूत जी भी हैं जो निःशुल्क चंद्र सिंह जैसे गाँव में, जो जालौन में पढ़ता है, वहाँ पर एक निःशुल्क पुस्तकालय खोल चुके हैं। और हमारे साथ मिथिला के प्रधान भी हैं, तो प्रधान जी भी इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे से अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं। तो सबसे पहले हम सनत जी के पास जाते हैं और सनत जी से पूछते हैं इस पुस्तकालय के बारे में कि इस पुस्तकालय में क्या क्या उपलब्ध होगा। पुस्तकालय के बारे में तो ये है राघवन जी कि ये जो विचार हम लोगों का आया, हम काफ़ी अक्सर यहाँ मीटिंग होती रहती है, हम लोगों की मुलाकात होती रहती है। विचार ये आया कि कुलपहाड़ नगर में अभी तक कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो प्रतिभावान बच्चे हैं हमारे वो बैठ के पढ़ सकें एक जगह। उनको पुस्तकों का कुछ अभाव रहता है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास पुस्तकों का अभाव रहता है। तो हम लोगों ने एक मीटिंग में आपस में बैठ के ऐसी चर्चा काफ़ी बार से छेड़ रखी थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने उसको मूर्त रूप में लाने का प्रयास किया, सोचा कि वो उसको हम धरातल पर उतार पाएँ। तो हमारे साथी हैं श्री शीतल भाई साहब, हमारी कमेटी के अध्यक्ष हैं महन भाई, हमारे परम मित्र हैं, हमारे बैचमेट हैं पंकज भाई, इनके छोटे भाई हैं बीरेन, और हमारी जो टीम के साथी हैं गजेंद्र भाई, ये कुंवर जी हैं, ये ओपी हैं, इंजीनियर ओपी सिंह, ओपी वर्मा, और हमारे राजेश भाई हैं, और हमारे प्रेरणा स्रोत तो नैन भाई हैं, आप जानते ही हैं। सब लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि कुलपहाड़ में कुछ ऐसी, मतलब ऐसा माहौल बनाया जाए कि शिक्षा की ओर सभी लोग का झुकाव जो है वो शिक्षा की ओर हो जाए। उसके लिए क्या किया गया, यहाँ तीन तरह की किताबें हम लोगों ने उपलब्ध कराई हैं। पहले तरीके की वो किताबें जो छोटे बच्चों के लिए पढ़ने योग्य हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर आएँ, बैठें, अपना मैनर सीखें, पढ़ाई संबंध, पढ़ाई में उनको इंटरेस्ट जागे, पढ़ाई में उनकी रुचि जागे, इसके लिए ऐसा माहौल बनाएंगे। अभी कुछ बच्चे हम लोग मंगा रहे हैं, बाहर से किताबें मंगा रहे हैं, जो छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, उनकी रुचि कर बुक्स होंगी। दूसरा जो सेक्शन है हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो ये है कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे होते हैं, जो कम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बुक्स का बड़ा अभाव रहता है, उनके पास बहुत गिनी चुनी बुक्स रहती है। बिल्कुल, और हम चलते चलते किताबें भी देखते जाएंगे। तो हम यहाँ जैसे जैसे, बिल्कुल वहाँ से जैसे जिस तरीके से सेगमेंट आप बताते चलेंगे, जिस सेक्शन पे थे, सेक्शन को यहाँ से शुरू करते हैं। जो वनडे एग्जाम्स हमारे यहाँ होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं हमारे, उनमें जैसे लेखपाल का हो गया, पुलिस भर्ती परीक्षा हो गई, और जो रेलवे वाली ग्रुप डी वाली परीक्षा हो गई, इसके लिए कुछ एसएससी जीडी की जो है एग्ज़ाम, उसके लिए हमारे यहाँ उसके हो गए, और बैंकिंग सेक्टर, ये मेन सेक्टर है जो यहाँ के बच्चे देते हैं। इसके ऊपर की तैयारी के लिए लोग चले जाते हैं बाहर, इसकी इस ऊपर की तैयारी के लिए लोग इलाहाबाद या कोचिंग संस्थानों का रुख कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कुछ जो वनडे एग्जाम्स की वो हैं बुक्स, उनको यहाँ पे एक जगह प्रोवाइड कराया, यहाँ पे एक क्लब टाइप का माहौल बनाएंगे कि बच्चे यहाँ पूरी मीटिंग कराएंगे हम लोग, यहाँ पर आगे चल के एक वाचनालय स्थापित करेंगे जहाँ बैठ के बच्चे पढ़ सकें, उसमें उनको ऐसा माहौल दिया जाएगा कि बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ सकें। तो एक सेक्शन ये हो गया। अब जो तीसरा सेक्शन आता है वो आप यहाँ आ जाएं। तीसरा सेक्शन ये है कि जो रिटायर्ड हमारे लोग हैं या जो नौकरीशुदा लोग हैं, जो ऑलरेडी अब उनका पढ़ाई जो एग्ज़ाम का उम्र उनकी जा चुकी है, वो चाहे सामाजिक बुक्स से बड़ी रुचि लेते हैं, ऐसी जो ज्ञानवर्धक बुक्स होती हैं, जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, उनके लिए महापुरुषों की जीवनियाँ हो गई, उसके लिए बड़ा रुचि लेते हैं वो लोग, तो उनके लिए हम लोग बहुत अच्छे साहित्य, देश के प्रसिद्ध साहित्यकारों की बुक्स हम लोगों ने कलेक्ट करके रखी हुई हैं, तो उनके लिए भी एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो तीनों प्रकार के सेक्शन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब व्यक्ति आ सकते हैं और अपना समय यहाँ दें और पुस्तकों का लाभ उठाएं। बिल्कुल, तो यहाँ पर सभी एज के, सभी उम्र के जो लोग हैं, सभी तबके के लोग आकर पढ़ सकते हैं, सभी के लिए यह संकलन है, और सभी लोग यहाँ पर अपना वक्त जो है जो यहाँ वहाँ खर्चते हैं वो यहाँ खर्च सकते हैं, और यहाँ से बहुत सारा जो लाभ है वो लेकर जा सकते हैं। हमारे साथ रविदास कमेटी के जो लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के चित्र को बहुत आदर के साथ अपने हाथों में उठाए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र राजपूत जी भी हैं जो चंद्र सिंह में ऑलरेडी एक जो पुस्तकालय है उसको खोल चुके हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर पुस्तकालय का महत्व क्या रहेगा और स्टूडेंट को यहाँ पर क्या क्या स्टूडेंट पा सकता है पुस्तकालय में आकर। देखिए, जो पुस्तकालय स्वामी ब्रह्मानंद पुस्तकालय के नाम से खोले जा रहे हैं गाँव में, तो इसका प्रमुख उद्देश्य तो यही है कि
जो गांव पिछड़े हैं या जो एरिया पिछड़े हैं उनमें किताबों के अभाव में कोई बच्चा न छूट पाए कि भाई ये कहे कि वो पढ़ाई बंद कर दे या ये कहे कि वो आगे चले कि भाई किसी ने मदद नहीं की, किताबों का अभाव था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, सबको समान अवसर मिले पढ़ाई का। और जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बहुत से महापुरुषों के चित्र यहाँ लगे हुए हैं इस जगह पर, तो इस ये सब हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, इस पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं। तो बच्चे जब यहाँ आएंगे पढ़ने पुस्तकालय में तो महापुरुषों से भी परिचित होते हैं, उनके जो उन्होंने विशेष कार्य किए हैं सामाजिक समरसता के और देश को आगे बढ़ाने के, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और इस समाज में जो असमानताएँ हैं उनको भरने का पूरने का काम किया है, तो इन चीज़ों से जो बच्चे पढ़ाई करेंगे तो ये ज्ञान भी यहाँ से अर्जित करके ले जाएंगे कि हमें पढ़ करके जो बैक पे टू सोसाइटी, मतलब जो समाज हमें ये सब मतलब एक प्रोवाइड करा रहा है और आगे हम चल के कुछ अच्छी तरक्की कर पा रहे हैं, तो हम भी ऐसे कार्य करें जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उसका लाभ उठा सकें। ये सब बातें हैं। और जैसे कि कुलपहाड़ नगर में संत रविदास जी कमेटी द्वारा और लक्ष्य परिवार महोबा द्वारा दोनों के संयुक्त प्रयासों से ये यहाँ स्वामी ब्रह्मानंद पुस्तकालय का जो आज इसकी शुरुआत की गई है स्वामी जी के 27वें जन्मोत्सव पर, ये बहुत ही वाकई बुंदेलखंड के लिए गर्व की बात है और ये मुझे विश्वास है कि ये इस क्षेत्र के लिए मतलब परिवर्तन का एक केंद्र बनेगा और ये मैं तो चाहता हूँ ये आस्था का भी केंद्र बने कि इस नगर का पहला पुस्तकालय है, लोग यहाँ आएँ इस आस्था के मंदिर में किताबों का अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं और पूरे देश में पूरे विश्व में सामाजिक समरसता का प्रकाश करें। बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूं, पत्रकार साथी थे हमारे जब हम यहाँ पर इंटर हुए तो उन्होंने ये भी बात बताई कि हमारे महोबा जिले का पहला पुस्तकालय है। अब मैं नहीं, मुझे पता नहीं है कितनी सच्चाई है, लेकिन पत्रकार बंधु बता के गए हैं और मेरी नज़र में भी एक पुस्तकालय नहीं है, तो अभी तक तो मैं यही मानता हूँ कि ये महोबा जिले का भी पहला पुस्तकालय है। और महापुरुष कोई भी हो, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर जी हों, चाहे स्वामी ब्रह्मानंद जी हों, सभी ने समाज को बहुत कुछ दिया है, समाज के लिए जो परिवर्तन जरूरी थे वो किए थे। लेकिन मैं बताते चलूँ कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे वो भी अपनी आखिरी वक्त में रोते थे और ये कहते थे, जो उनके साथी थे नानक चंद रत्तू जी से, उन्होंने ये संवाद था जो नानक चंद रत्तू जी ने लिखा था, कि बाद में बाबा साहब ये रोते थे और ये कहते थे कि मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि मुझे इस काम को जो मैं कर रहा हूँ आगे बढ़ाने के लिए कोई मिल नहीं रहा है और मुझे जितना करना चाहिए था समाज के लिए मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। तो महापुरुष इतना कुछ करने के बावजूद रोते रहे कि वक्त की कमी के वजह से हम समाज को जितना करना चाहिए नहीं कर पाए। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इन महापुरुषों को जानकर, इनके आदर्शों पर चलकर हम लोग अपनी पीढ़ी को, अगर हम समर्थ हैं तो अपनी पीढ़ी को भी और जो दबे कुचले उनको भी साथ लेकर आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर रविदास कमेटी के भी लोग हैं जिनसे हम जानते हैं, तो हाँ ये पुस्तकालय जो है जी, नमस्ते। ऐसे क्या क्या आप समझ रहे हैं कि आपके यहाँ कुलपहाड़ से क्या क्या अंतर? जैसा कि मैं बता दूं कि ये हमारे जो है धर्मेंद्र वर्मा जी हैं जो रविदास कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो जैसे कि पहले भाई साहब ने अवगत कराया कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी हो जाए तो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो मोहल्ला है, जो आस पड़ोस के लोग हैं, यहाँ पे बहुत से गरीब लोग हैं जिनको मतलब कि शिक्षा के लिए मतलब प्रेरित करना पड़ रहा है, तो यहाँ से ये लाइब्रेरी देख के वो लोग प्रेरित भी होंगे और साथ ही साथ यहाँ जो इतना बड़ा प्रांगण है इसमें बच्चे आराम से बैठ के पढ़ भी सकेंगे। और जैसा कि सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो भारत रत्न हैं, जो मतलब शिक्षा के प्रतीक हैं, तो उनके सामने और उनको देख कर लोग और भी ज़्यादा प्रेरित होते हैं और भी ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, तो ये सभी लोग यहाँ पर आके पढ़ाई करेंगे। और हालांकि हमने एक और विचार बनाया है भाई साहब के द्वारा भी और रविदास कमेटी के द्वारा भी कि यहाँ पे एक वाइट बोर्ड लाकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो भी बड़े बड़े बच्चे हैं जो मतलब ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके माँ बाप जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो एक पर्टिकुलर डे मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम लेके हम लोग यहाँ पे एक वाइट बोर्ड लगा के उनको शिक्षा देने का भी काम करेंगे। उम्मीद है ये आस्था के केंद्र के साथ साथ शिक्षा का भी एक केंद्र जो है वो बनेगा। ये स्वामी ब्रह्मानंद पुस्तकालय है, कल स्वामी जी का जन्मोत्सव था, 127वीं जयंती थी 4 दिसंबर को, और उसके उपलक्ष्य में ये स्वामी ब्रह्मानंद पुस्तकालय है जो खोला गया है। तो यहाँ बाहर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं जो सभी को इशारा कर रहे हैं, यहाँ पर एक लौ जल रही है जिसकी रोशनी दूर तक जा रही है। अब ये शिक्षा का भी जो केंद्र है वो बन चुका है। हमारे साथ मृतला प्रधान राजेश जी भी हैं और हमारे साथ
एक और साथी हैं जिन्होंने यहाँ इस पुस्तकालय के लिए बहुत योगदान दिया, दोनों लोगों से हम बात करेंगे। तो प्रधान जी, आपको क्या लगता है इससे क्या क्या परिवर्तन इस पुस्तकालय से होने वाले? इस पुस्तकालय से हमारे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा, और जैसे कि भैया ने बताया कि यहाँ पे ट्यूटर का काम भी करेंगे, पढ़ाएंगे और व्हाइट बोर्ड लगाएंगे, उसकी व्यवस्था भी जल्दी कर दी जाएगी। अगर ऐसे योगदान हमें और भी अन्य जगह जगह से मिल जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई हमारा अछूता बचेगा। बच्चा सभी लोग पढ़ेंगे और पढ़ लिखकर इस पुस्तकालय का नाम रोशन भी करेंगे, और आगे चल के और भी पुस्तकालय भी खोले जाएंगे जगह जगह। और हम चाहेंगे कि लक्ष्य परिवार जो हमारा है इसी प्रकार से प्रगति का काम करता रहे, और यही हम कामना करते हैं। और भीमराव अम्बेडकर और स्वामी ब्रह्मानंद जी का आशीर्वाद भी बना रहे कि जगह जगह और सद्बुद्धि और सद्भावनाओं के साथ साथ काम होते हैं। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो ऑडियंस को अपने नाम बताइएगा, उसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद जो पुस्तकालय है उससे क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या सकारात्मकता लोगों में? मेरा नाम प्रमोद कुमार और पंकज जाटव, मैं पीएससी से शिक्षक हूँ, और जब डॉक्टर साहब ने ये सब बातें मुझे बताई करीब वही नवंबर की बात है, वही 28-29 नवंबर के ऐसा हम लोगों को करना है, जब हम लोगों को ऐसा पता पड़ा ऐसा करना है, तो हम डॉक्टर साहब के साथ में बिल्कुल जुड़ गए कि धरातल में हमें ये काम करना ही है। और कोई चीज़ यदि शिक्षा के बारे में ये सामने आ जाती है तो हम लोग बगैर धरातल के काम करने के बगैर मतलब रहती ही नहीं है, मतलब जुड़ जाते हैं पूरी तरह 100%। करना है तो करना है, करना है तो करना। हाँ, और यही यहाँ पे बच्चे आएंगे सीखने के लिए, उनको प्रेरित करेंगे हम लोग कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसी तैयारी करना है, और जिस दिन हम लोगों को टाइम मिलेगा खासतौर में संडे के दिन आएंगे, उनको प्रेरित करेंगे। बिल्कुल, और यहाँ जो पुस्तकालय खुला है उसका पूरा लाभ उनको दिलाएंगे। बिल्कुल, तो इस दुनिया में जो बुराई है बहुत कम होती है, और अगर अच्छे लोग सभी लोग मिल जाएं तो बुराई, अशिक्षा, कुरीति, असमानता जो है बहुत जल्दी इस दुनिया से दूर हो जाए, जिसके लिए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और अच्छे काम को कर रहे हैं ताकि समाज की जो बुराइयाँ हैं, असमानता है, कुरीतियाँ हैं, वो दूर हों। और रविदास कमेटी के अध्यक्ष हमारे, बिल्कुल हमारे साथ, क्योंकि रविदास कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अभी एक भी लफ्ज़ नहीं बोला है, तो उनसे भी जानते हैं बाबा साहब के बारे में, स्वामी जी के बारे में, इस पुस्तकालय के बारे में। हम एहरवार समाज रविदास समाज कमेटी के अध्यक्ष हैं, और हमारी सोच है कि हमारा समाज दबा कुचला है, और हम चाहते हैं कि यहाँ ये बढ़िया बच्चे पढ़ें और माहौल सही हो। कहा है कि जब कोई समाज में ऐसा माहौल पैदा ना हो, वो ख़राब माहौल रहता है, तो यहाँ एक अच्छा माहौल पैदा होगा तो अच्छे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, और वो होगा जिससे एक माहौल सही हो। और हम ये बात अपने जो भी हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। क्या है कि कुछ है, समाज के लोगों में अभी निराशा की भावना व्यतीत है, तो उसको भी हम लाने का प्रयास करेंगे। तो समाज को बोलिए कि जो शिक्षा यहाँ शिक्षा का दीपक जला है उससे उनके जो बच्चे हैं वो भी प्रज्वलित होंगे, समाज को भी प्रज्वलित करेंगे, तो ये निराशा भी उनकी जो है ना हवा हो जाएगी, और बहुत ही अच्छा यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है। आप भी अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम कुंवर लाल वर्मा है। अच्छा, कुंवर लाल जी। जी कुंवर लाल जी, क्या करते हैं और इस पुस्तकालय को लेकर क्या विचार है कुंवर लाल जी? मेरे विचार बहुत ही अच्छे हैं पुस्तकालय को लेकर, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, और मैं अपने महापुरुषों के बारे में कुछ कहना भी चाहूँगा, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी हैं, और परम पूजनीय स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं, और हमारे कई पूजनीय और भी हैं। तो मैं एक बात ही कहूँगा कि यही वो एक मसीहा हैं जिनने खोले हमारे नसीबा हैं, और मैं कुछ नहीं कहूँगा इनके बारे में, और मैं यही कामना करूँगा कि हमारे छोटे बड़े भाई बहन आए यहाँ पर और अपने जीवन की आगे शुरुआत करें। एक नई राह मिली है हम लोगों को कुलपहाड़ और रविदास प्रांगण में जो पुस्तकालय है उसमें आएँ, शिक्षा ग्रहण करें। बिल्कुल, तो अध्यक्ष जी हमारे जो हैं जो लक्ष्य के महोबा अध्यक्ष हैं वो कुछ पहने वाले हैं, तो हाँ कहिए। ये मैं एक इसको चाहे यहाँ का महोबा जो हमारा लक्ष्य महोबा है उसने जो प्लान बनाया है रविदास कमेटी के साथ, उसका प्लान समझ लीजिए या एक अपील समझ लीजिए कि हर नगर में, हर नगर, हर गांव के लोगों से या जो वहां के संभ्रांत लोग हैं जिन्होंने नौकरी पाई है या जो अपने व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं, वो पे बैक टू सोसाइटी जो अभी नरेंद्र नाथ साहब ने कहा है कि सोसाइटी को अपना जो अर्जित किया हुआ है उसका वापस देने का प्रयास के तहत ये कदम उठाएँ सब जगह।
जैसे हम लोगों ने यहाँ जो इसको संचालन करने के लिए 12 लोगों की एक टीम बनाई है, इसको संचालित कैसे करेंगे? बड़ा इजी भी है पहले लगता है, देखिए खोलना बहुत आसान काम है, देखिए संचालित करना राघवन जी बड़ा कठिन है ना। तो उसके लिए हम लोग प्लान है उसको थोड़ा मैं उसको अपील के तौर पर रखना चाहता हूँ कि ये प्लान और लोग भी अपनाएं। हम लोगों ने यहाँ 12 जो एम्प्लॉइज लोग हैं, जो नौकरी शुदा लोग हैं, उन लोगों ने 12 लोगों में उसमें पंकज जी भी हैं, शीतल भाई सब भी हैं, सभी का अगर नाम आपको याद हो आप जिक्र कर दीजिएगा। नाम 12 लोग हैं। हाँ 12 लोग हैं, 12 लोग हैं। अब नाम मैं आपको बाद में अवगत करा दूंगा। 12 लोगों की एक टीम है जिन्होंने एक एक महीना का खर्चा गोद ले लिया है। हम यहाँ पे एक बंदा ऐसा रखेंगे जो इसका केयरटेकर होगा, जो इसकी देखभाल करेगा, प्लस इसमें जो अखबार का खर्चा होगा और जो मासिक पत्रिकाएँ साप्ताहिक पत्रिकाएँ जो आएंगी हर महीने उनका जो खर्चा होगा वो एक बंदा एक महीने का खर्चा वहन करेगा। उन 12 लोगों की टीम में से एक एक महीना गोद एक बंदा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे दिसंबर तक हम लोग एक एक टीम मतलब एक एक महीने का खर्चा उठाएंगे, उसमें हमारे जो प्रधान मित्रा भी शामिल हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक एक माह का खर्चा उठाएंगे जिससे ईजिली जो पुस्तकालय है वो आगे बढ़ता रहेगा। और यहाँ के जो लोकल के जो हमारी कमेटी है उनके एक टीम बनाएंगे जो संचालन करने में उसकी मदद करेगी। उसमें हमारे एडवोकेट साहब कुंवर लाल जी भी हैं, हमारे गजेंद्र भाई बहुत ही युवा जोशीले साथी हैं, ओपी भी हैं, हालांकि ये नौकरी करते हैं तो ये जितना समय दे सकते हैं देंगे। इसके अलावा ये अपना सब प्रकार से सहयोग करेंगे। इसमें हमारे पवन प्रजापति हमारे बड़े भाई हैं, ये भी हमेशा और इस यहाँ पे जो टीम का सबसे जिन लोगों ने धरातल पर काम किया है उनमें हमारे भैया रवि भाई भी हैं। बिल्कुल, ऑडियंस सभी को देख रही है और सबके चेहरे याद भी कर लेगी। इस सकारात्मक काम में कौन कौन लोग थे जो इससे जुड़े थे और हम आपसे अपील भी करेंगे। सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद देंगे जो इस काम में लगे हुए हैं और लोगों से भी अपील करेंगे अगर आप इस पुस्तकालय में अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं, कुछ किताबें दान देना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उस पुस्तकालय के लिए आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने यहाँ भी आप एक पुस्तकालय जो है वो खोल सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ सभी साथी थे, सभी भाई थे जो यहाँ सकारात्मक ऊर्जा जो है प्रवाहित कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।